आइए अब हम चार्लस लिंड ब्लॉम को समझने की कोशिश करते हैं चार्लस लिंड ब्लॉम इज वेरी इम्पोर्टेंट पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर ही इज़ इंटेलेक्चुअल ही इज़ फिलोसोफर ही इज़ थ्योरिस्ट एंड ही राइट्स क्रिटिक ही कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू चेंज दी पैराडाइम ऑफ पब्लिक पॉलिसी स्टडीज़ इन्होंने इतना इन्फ्लुन्स किया है इतने सारे स्टूडेंट्स को और इतने सारे स्कॉलर्स को और इंटलेक्चुअल्स को पब्लिक uh, पॉलिसी को समझने में और इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में कि uh, इनका रोल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंटलेक्चुअल्स एंड स्कॉलर्स हु हैव एन रिचड The field of public policy. His uh, ideas uh, are very popular hain, uh, not only among the policy students, policy scholars, but among the political scientists, among the economists, and among the humanists, and uh, uh, among the people who work in many other disciplines. He has enriched the field of public administration, public policy, uh, economics. मैनेजमेंट साइंसेस एंड डी साइंसेस तो इनके इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इतना ज़्यादा इन्होंने लिखा है ही रोट ऑन द रोल ऑफ मार्किट्स ही एनालाइज्ड एडवरटाइजमेंट्स ही रोट ऑन द कैपिटलिज्म ही रोट ऑन द गल्फ बिटवीन इकनॉमिक्स एंड Political science, he wrote on rationality, he wrote on uh, improving decisions. Uh, this all uh, makes him one of the towering figures among the policy scientists of 20th century. Uh, आपको इनके आइडियाज़ ज़रूर पढ़ने चाहिए इनका बहुत सारा काम है बहुत सारी किताबें हैं बहुत सारे पेपर्स हैं वो आप uh, अगर पढ़ें उनमें से कुछ भी uh, अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है वन पार्टिकुलर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट चार्लस ई लॉन्ग एंड विच डिस्टिंगज हिम फ्राम मैनी अदर स्कॉलर्स ऑफ पॉलिसी साइंटिस्ट इज दैट ही राइट्स सो वेल एंड ही राइट्स इन सच अ बैलेंस्ड वे वो रेट्रिक को और फैक्ट्स को इस बैलेंस तरीके से लिखते हैं Uh, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए सीखना कि पॉलिसी प्रपोजल्स को कैसे ड्राफ्ट किया जाए और पॉलिसी रिसर्च को कैसे रिपोर्ट किया जाए चार्ल्स ई लिंबलॉम 1917 में पैदा हुए ही हैज़ बीन स्टर्लिंग प्रोफेसर अमेरितल साइंस एंड इकनॉमिक्स एट येल यूनिवर्सिटी And uh, he, uh, like uh, Harold Dwight Laswell, he was the former president of American Political Science Association, which is highly uh, prestigious position. Uh, he has also been former president uh, of the Association for Comparative Economic Studies, and uh, he has been former director Yale Institution for Social and Policy Studies. थ्रू आउट हीज लाइफ एंड स्टेइंग इन दिज पोजिशंस चार्लस ई लिनबलॉम हैज ऑलवेज डिस विद दिन स्ट्रीम पॉलिसी साइंटिस्ट एंड इकानमिस्ट वो बजात खुद एक इकानमिस्ट था और इकनॉमिक थ्योरी से उसको बहुत अख्तिलाफ थे बहुत मरतबा चार्लस ई e. लिनबलॉम ने uh, जो इकनॉमिक आर्थोडॉक्सी है या रैशनल चॉइस थ्योरी है और माइक्रो इकनॉमिक्स की फार्मूलेशनस को चैलेंज किया और उसकी वजह से उनको बहुत मरतबा क्रिटिसिज्म uh, भी लोगों का भुगतना पड़ा और उनको पर्सनल लॉसेस भी बहुत हुए फॉर एग्जांपल ही हैड टू रिज़ाइन ट्वाइस फ्रॉम हिज पोजीशंस बिकॉज ही डिड नॉट एग्री विद द मेन स्ट्रीम ऑफ इकानमिस्ट्स एंड मेन स्ट्रीम फार्मूलेशन्स ऑफ द पोलिटिकल साइंटिस्ट तो इस सिलसिले में आ, अगर आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और उनके आइडियाज़ को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे डोमिनट आइडियाज़ में से नए आइडियाज़ डिवेलप किए जा सकते हैं और कैसे मेन स्ट्रीम आइडियाज़ को चैलेंज किया जा सकता है इस वक्त आप पाकिस्तान में देखें तो जो डोमिनेशन है माइक्रो इकनॉमिक्स की आ, बहुत ज़्यादा है पॉलिसी स्टडीज़ में तो जब चार्ल ई लिड ने आ, काम शुरू किया पॉलिसी स्टडीज़ पर नाइनटीन में और उसके बाद आ, उस वक़्त माइक्रो इकनॉमिक्स बहुत डामिनेंट थी रैशनल चॉइस थोड़ी बहुत डामिनेंट थी तो उसमें अपने लिए एक प्लेस चार्लस ई लिन्बलॉम ने डेवलप की और उस पर सारी उम्र काम किया एंड ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन नोवेल आइडियाज विच कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रमेंडसली नॉट ओनली टू द ग्रोथ ऑफ पॉलिसी स्टडीज बट वेलफेयर ऑफ द पीपल नॉट ओनली इन अमेरिका बट अक्रॉस वर्ल्ड